हेलो दोस्तों, वेलकम बैक आवर एक ए आर अकेडमी पाकी यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग देखने वाले हैं हिस्ट्री का लेक्चर नंबर 2। और दोस्तों, साथ साथ हम लोग ये भी समझने वाले हैं हिस्ट्री में कि जो हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे थे, वो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि मध्यकालीन भारत का इतिहास पूरा एक बार हम लोगों ने ख़त्म किया था, है ना, ट्रिक के साथ हम लोगों ने ख़त्म किया था। मोहम्मद गौरी, है ना, गुड़ खाओ तसले में, इन सारी चीज़ों के साथ हम लोगों ने ट्रिक को ख़त्म किया था। और ट्रिक को ख़त्म करने के बाद हम लोग पढ़ने वाले थे मुगल वंश के जो शासन करने वाले राजा थे उसके बारे में, जैसे हम लोगों ने ट्रिक सीखा था कासिम गजनी गौरा गुड़ खाओ तसले में, है ना, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनवी, है ना। इस तरह से हम लोगों ने जो ट्रिक पढ़ा था वो पूरे हम लोगों ने पढ़ा था किस चीज़ का, तो पूरे जो 1707 तक जो राजा शासन किए मध्यकालीन भारत के अंदर, उन सभी के बारे में हम लोगों ने दोस्तों पढ़ा था। अब हम लोग पढ़ने वाले दोस्तों जो मुगल वंश के शासक हैं, जो जहां मुगल वंश स्टार्ट होता है आपका कब से दोस्तों, 1526 से आपका स्टार्ट होता है दोस्तों मुगल वंश, ठीक है, आपको यहां से स्टार्ट होता है मुगल वंश। और मुगल वंश के शासक को पढ़ने का ट्रिक क्या है, है ना, बहु आजा शाम हो आई, ये ट्रिक है दोस्तों। तो ब से हो जाएगा दोस्तों बाबर, उसके बाद दोस्तों ह से हो जाएगा हुमायूं, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा अ से अकबर, उसके बाद दोस्तों हो जाएगा ज से जहांगीर, उसके बाद स से शाहजहां, उसके बाद अ से औरंगजेब। तो अब हम लोग दोस्तों बात करने वाले हैं, ये तो हो गया मुगल काल के जो शासक हैं दोस्तों, और मुगल काल में जो जो भी बादशाह थे वो लोग, उन्होंने जो भी मतलब राज किया दोस्तों, उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अब दोस्तों जो हम लोग देखने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं इस्लाम का उदय दोस्तों, कि आखिर इस्लाम का उदय हुआ कैसे, है ना, इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ और इस्लाम के फाउंडर कौन है, इस्लाम के संस्थापक कौन है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो कि मध्यकालीन भारत के अंदर आता है। आप लोगों को पता है कि मध्यकालीन भारत के अंदर दोस्तों ओनली 4 हम लोग मुस्लिम शासक के बारे में जानते हैं, तो इसमें जो हम लोग जानने वाले हैं दोस्तों वो हम लोग पढ़ने वाले हैं आखिर इस्लाम का उदय हुआ तो हुआ कैसे। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस्लाम का उदय, इस्लाम के उदय के बारे में देखते हैं और समझते हैं कि इस्लाम का उदय किस प्रकार से हुआ था। तो हम कह सकते हैं इस्लाम के फाउंडर, इस्लाम का जो फाउंडर है, संस्थापक है दोस्तों, वो है हज़रत मोहम्मद साहब। और ये कहाँ से हैं, तो अरब से। याद रखिएगा कि जो हज़रत मोहम्मद साहब थे वो अरब से थे, और ऐसे आपको याद रखना है कि इस्लाम का जो उदय हुआ था वो अरब देश से हुआ था दोस्तों। उनका जन्म, हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ था। उनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। यानी कि बताते चले दोस्तों, हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और उनके माता का नाम अमीना था दोस्तों। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी हीरा नामक गुफा से हुई थी दोस्तों। इन्हें यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब को ज्ञान की प्राप्ति 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा से हुई थी। और उसके बाद आता है बात हिजरी संवत का, तो जो 24 सितंबर 622 ईस्वी से शुरू हुई थी दोस्तों, और इसको माना जाता है कि पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा को हिजरी संवत कहा गया है। अब दोस्तों आपको बताते चले कि ये पैगंबर देख करके आप डाउटफुल ना रहें, आपको डाउट ना आ जाए कि ये पैगंबर क्या है। तो पैगंबर आपको बता दें दोस्तों कि जो इस्लाम धर्म के जो संस्थापक हैं हज़रत मोहम्मद साहब, उनको दोस्तों मुस्लिम के धर्म में हज़रत मोहम्मद साहब को पैगंबर नाम से भी जाना जाता है। तो पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा, यानी हज़रत मोहम्मद साहब की मक्का से मदीना की यात्रा 24 सितंबर 622 ईस्वी, उसी को दोस्तों हिजरी संवत कहा जाता है आपको इतिहास के अंदर। और ये इसी टाइम से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ था दोस्तों। उसके बाद हज़रत मोहम्मद साहब का विवाह जो हुआ था वो खदीजा से हुआ था। उनकी पुत्री का नाम फ़ातिमा था, और इनकी पुत्री का नाम जब फ़ातिमा था, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह किया, तो इनके दामाद का नाम अली था दोस्तों। अब बात करते हैं हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु की, तो हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 623 ईस्वी, यानी कि याद रखिएगा हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु जो हुई थी वो 623 ईस्वी में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी, तो मदीना में उनको दफनाया गया था दोस्तों। 623 ईस्वी में हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई और उनको मदीना में ही दफनाया गया था। उसके बाद दोस्तों अगर इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ की बात करें, तो इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान होता है दोस्तों, और
पैगंबर के, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है दोस्तों कि पैगंबर के उत्तराधिकारी को खलीफा कहलाए। याद क्या रखना है कि जो हजरत मोहम्मद साहब के जो भी उत्तराधिकारी थे वो लोग खलीफा कहलाने लगे। भाइयों याद इसको रखिएगा कि पैगंबर के जितने भी उत्तराधिकारी थे वे सारे के सारे खलीफा कहलाने लगे। तो दोस्तों आपको हमने ये बताया कि आखिर इस्लाम का उदय कैसे हुआ था और कहाँ से हुआ, उनके फाउंडर का नाम क्या था, तो इन सारी चीज़ों को हमने आपको बता दिया। अब हम लोग आगे देखने वाले हैं कि भारत पर जो अरबों का आक्रमण हुआ था वो कहाँ से हुआ था, उसका स्रोत क्या क्या था और साथ ही साथ उसका उद्देश्य क्या क्या था, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर भारत पर जो अरबों द्वारा आक्रमण हुआ था, अरब से जो आक्रमण हुआ था भारत पर, वो उसका उद्देश्य क्या था और जो उसका स्रोत है वो कहाँ से हमें प्राप्त होता है कि भारत में सिंध पर आक्रमण हुआ था, सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी, इस सिंध की घटना की जो आपकी स्रोत है वो कहाँ से हमें मिलती है, उन सारी चीज़ों को देखने वाले हैं और समझने भी वाले हैं। चलिए तो हम लोग देखते हैं कि भारत पर अरबों का आक्रमण, भारत पर अरबों का आक्रमण, यानी कि हम लोग बात करने वाले हैं भारत पर अरबों का आक्रमण के दोस्तों। और इसमें हम लोग देखने वाले सबसे पहले स्रोत, इसका हम लोगों को स्रोत कहाँ से मिलता है, आखिर स्रोत कहाँ से पता चलता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि इसका स्रोत चचनामा पुस्तक से प्राप्त होती है, जो कि दोस्तों एक फारसी ग्रंथ है। ये क्या है, फारसी ग्रंथ है दोस्तों। आपको याद रखना है कि भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था उसका जो स्रोत है वो कहाँ से हमें प्राप्त हुआ था, वो हमें चचनामा पुस्तक से प्राप्त हुआ था, जो एक फारसी ग्रंथ है दोस्तों। और इसी फारसी ग्रंथ से हमको सिंध पर विजय प्राप्ति की भी जानकारी मिलती है कि किस तरह मुस्लिम जो अरब से जो लोग आए थे, मुस्लिम लोग आए थे, वो किस तरह सिंध पर विजय प्राप्त किए थे, उसकी जानकारी भी हमें इसी फारसी ग्रंथ से प्राप्त हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आखिर जो अरब से जो लोग आए थे, इस्लामिक लोग, उन्होंने सिंध पर जो कब्जा किया है ना, सिंध पर विजय प्राप्त किया, तो उसका उद्देश्य क्या था और लोग क्यों भारत पर अटैक करते थे, उनके उद्देश्य क्या रहते थे अटैक करने के, तो देखते हैं भाइयों उसके उद्देश्य क्या होते थे, जो अरब वासी थे उनका उद्देश्य क्या था। तो सबसे जो पहला उद्देश्य था वो था साम्राज्य विस्तार कर धन प्राप्ति करना दोस्तों। ये क्या था, पहला इनका उद्देश्य था। और दूसरा उद्देश्य क्या था, तो अपने जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म को फैलाना। दूसरा इनका उद्देश्य क्या था, इस्लाम धर्म को फैलाना इनका दूसरा उद्देश्य था, यानी कि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना और इनको साथ ही साथ पूरा फैला देना इनका दूसरा उद्देश्य था। तो दोस्तों जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग, और हम लोग आगे इसके बाद देखने वाले हैं जो इसके आगे का टॉपिक रहने वाला है वो है दोस्तों मध्यकालीन भारत के बारे में, जो कि हम लोग पढ़ते आ रहे हैं 712 टू 1707 ईस्वी तक मध्यकालीन भारत के बारे में। तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं अब मध्यकालीन भारत की बात करने वाले हैं कि मध्यकालीन भारत के अंदर जो सबसे पहले MBQ यानी कि मोहम्मद बिन कासिम आए थे, वो किस प्रकार आए, किस प्रकार गए, किस तरह राज किए, उन सभी चीज़ों के बारे में जानने वाले हैं। तो हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत की दोस्तों किस चीज़ की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत। आपको मैं शुरू से ही बताता आ रहा हूँ दोस्तों कि मध्यकालीन भारत के अंदर हमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम शासक के बारे में अध्ययन करना होता है। अब इसमें बात करते हैं मध्यकालीन भारत की, तो मध्यकालीन भारत में आपको तो अच्छे से पता होगा कि 712 टू 1707 तक का मध्यकालीन भारत है, यानी कि मोहम्मद बिन कासिम का आना, औरंगजेब की मृत्यु होना तक ही तो है मध्यकालीन भारत, है ना। तो इसको हम लोग समझने वाले हैं और देखने वाले हैं। तो बात करते हैं दोस्तों 712 ईस्वी की, 712 ईस्वी में सिंध पर कौन आक्रमण किया था, तो वो है मोहम्मद बिन कासिम। कौन है दोस्तों,
मोहम्मद बिन कासिम जो था वो क्या किया था, सिंध पर हमला कर वहाँ के राजा को मार दिया था। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में दोस्तों आखिर कैसे मोहम्मद बिन कासिम भारत आए थे, क्यों आए थे, वजह क्या थी उनकी कि वो भारत आए, और क्या कारण हुआ कि उन्होंने सिंध के राजा को मार दिया। कुछ तो वजह रही होंगी। अब बिल्कुल ऑफकोर्स वजह है दोस्तों, और वजह ये है कि आपको बता दें इसके अंदर सबसे पहले की बात है तो आप ऐसे समझिएगा सिंध है इधर, ठीक है, इधर हम ले लेते हैं सिंध, समझिएगा इसको थोड़ा अच्छे से, ये कहानी है और जो इस कहानी को समझ लेंगे उनके लिए ये टॉपिक बिल्कुल ही आसान, मोहम्मद बिन कासिम चुटकियों में ख़त्म। दोस्तों देखिए ये एक सिंध था, ठीक है, 712 ईस्वी के टाइम में सिंध के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था दोस्तों दाहिर। उनका नाम क्या था, दाहिर नाम था दोस्तों, जो राजा थे उनका नाम था दाहिर, और ये चच नामक राजा के पुत्र थे। किसका पुत्र थे दोस्तों, चच का पुत्र थे, और ये कौन से वंश से थे, ब्राह्मण वंश से थे। कौन से वंश से थे दोस्तों, ब्राह्मण वंश से थे, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है कि जो सिंध के राजा थे दाहिर जिनको मोहम्मद बिन कासिम ने हत्या कर दिया था वो किस वंश से थे, तो वो दोस्तों ब्राह्मण वंश से थे। यहाँ तक आप लोगों को क्लियर है, उसके बाद हम लोग चलने वाले हैं, देखते हैं कि आखिर क्यों मोहम्मद बिन कासिम को यहाँ सिंध आना पड़ा, दाहिर के जगह लेना लिया था, किस प्रकार सिंध पर विजय प्राप्त किया उसके बारे में सुनने वाले हैं। तो देखिए हुआ था यूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो मोहम्मद बिन कासिम था और इसका जो ये एक सेनापति के रूप में था दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जो था वो सेनापति के रूप में था, और इसके जो मालिक थे वो कौन थे, अलहजाज। कौन थे दोस्तों, अलहजाज, और ये अलहजाज के सेनापति का नाम था दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम। यानी कि दोस्तों हम बात करते हैं अलहजाज के सेनापति का, तो अलहजाज का सेनापति दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम था, और ये अलहजाज दोस्तों ईरान के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ईरान के दोस्तों। अब हुआ यूँ कि यहीं पर एक बंदरगाह था जिसका नाम था दोस्तों देवल बंदरगाह। उसका नाम क्या था दोस्तों, तो हम उसका नाम बताते दोस्तों, देवल बंदरगाह उसका नाम था दोस्तों। तो यहीं पर एक बंदरगाह था जिसका नाम था, देते हैं देवल बंदरगाह। अब हुआ यूँ कि ये जो देवल बंदरगाह वो सिंध के अंदर पड़ता था, और यहाँ से जो ईरान से था यानी कि अरब से दोस्तों, अरब से अलहजाज के जो भी जहाज जाते थे व्यापार के लिए वो देवल बंदरगाह से होकर के जाते थे। अब जब देवल बंदरगाह से होकर के जाते थे तो यहाँ पर ये हुआ कि जैसे ही, या एक बार की बात है कि यहाँ जो सिंध का जो राजा था दाहिर, इसको दाहिर ने क्या किया कि अलहजाज के सारे पानी जहाज़ों को लूट लिया, और लूटने के बाद दोस्तों क्या किया कि लूट कर ये, और लूटा भी क्यों, बिना कोई दुश्मनी, बिना कोई मतलब बिना कोई नुक्स के दोस्तों ये क्या किया, अलहजाज के पानी जहाज़ों को लूट लिया जो कि व्यापार के लिए देवल बंदरगाह से होकर के जाया गुजरा करते थे। अब जब इस बात का पता अलहजाज को चला तो अलहजाज अपने सेनापति को ये ऑर्डर देता है, सुनो मोहम्मद बिन कासिम, तुम सिंध जाओगे और जितना हमारा नुकसान हुआ है उसका भरपाई का कीमत तुम चुकाओगे। और ये सुनते ही दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम अलहजाज का सेनापति इनके कहने पर, अलहजाज के कहने पर सिंध गया, और सिंध जैसे ही गया दोस्तों तो सिंध जाने के बाद ये क्या किया, दाहिर का हत्या कर देता है। किसका हत्या दोस्तों, दाहिर का हत्या कर देता है। और दाहिर का हत्या करने के बाद, और हत्या किसके द्वारा किया गया है, MBQ यानी कि मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा दोस्तों। अब जब हत्या कर देता है तो ये मोहम्मद बिन कासिम दाहिर का स्थान ले लेता है, और दाहिर की दो पुत्रियां भी थी, पहला पुत्री का नाम था सूर्य देवी और दूसरा पुत्र का नाम था, आपको बता दें दोस्तों, तो जो पहली पुत्री थी उसका नाम था सूर्य देवी, और जो दूसरी पुत्री थी दोस्तों उसका नाम था निर्मला देवी। जो दूसरी पुत्री थी दोस्तों उसका नाम था निर्मला देवी, ये आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर आपको बता दें कि जो दाहिर की जो दो बेटियाँ थी सूर्य देवी निर्मला देवी, दाहिर की हत्या कर दी गई मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, है ना। और जब मोहम्मद बिन कासिम दाहिर का स्थान ले लेते हैं सिंध के अंदर, तो वो क्या करते हैं इनकी दोनों बेटियों को दोस्तों किडनैप कर या अगवा कर कहाँ भेज देते हैं, अरब, किसके पास, अलहजाज के पास दोस्तों। और होता यूँ है कि अलहजाज के भी दो बेटे होते हैं, इसके दो पुत्र थे दोस्तों, और ये करता क्या है कि जरा सा भी लेट नहीं करता है दोस्तों, अपने दोनों पुत्रों का विवाह
दाहिर के दोनों पुत्रियों के साथ कर देता है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ तक कहानी थी दोस्तों कि वो जो मोहम्मद बिन कासिम है वो कैसे गया सिंध, क्यों गया, क्या क्या किया, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोग दोस्तों जानते हैं। अब हुआ यूँ कि जो यहाँ से जो गया था मोहम्मद बिन कासिम किसके पास दोस्तों, तो दाहिर के पास गया। और दाहिर के पास जाने के बाद दोस्तों क्या किया, ये दाहिर को मार दिया और दाहिर के जगह पर अपना स्थान ले लिया, यानी कि दाहिर का स्थान वो जा कर के ले लिया दोस्तों। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जब ये दाहिर का स्थान ले लेता है तो ये क्या बोलता है सिंध वासियों को कि प्यारे सिंध वासियों, यू हैव टू ऑप्शंस। क्या बोलता है दोस्तों, यू हैव टू ऑप्शंस। और कौन कौन सा ऑप्शन देता है, यानी कि सिंध वासियों को बोलता है कि दोस्तों तुम्हारे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कौन सा देता है दोस्तों, तो या तो तुम लोग इस्लाम कबूल कर लो, क्या कर लो दोस्तों, इस्लाम कबूल कर लो। या तो फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन देता है कि अगर तुम इस्लाम नहीं कबूल करते हो तो तुमको जाजिया टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा दोस्तों, जाजिया टैक्स अदा करना पड़ेगा, जो कौन करता है, पेड बाय नॉन मुस्लिम। ये किसके द्वारा अदा करना था, पेड बाय नॉन मुस्लिम, जो मुस्लिम नहीं थे ये कर उनको अदा करना था दोस्तों। तो हम लोग इसमें बात करते हैं दोस्तों आगे कि ये जो जाजिया टैक्स देना है पेड बाय नॉन मुस्लिम, इसमें क्या हुआ कि अभी हम बात करेंगे थोड़ी सी जाजिया कर के बारे में कि जाजिया कर से जो जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्वेश्चंस किस प्रकार के आते हैं। तो चलिए उन क्वेश्चंस को अभी हम थोड़ा सा जाजिया टैक्स से मिलते जुलते क्वेश्चंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे पहले भारत में सबसे पहले जाजिया टैक्स किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों। तो भारत में सबसे पहले जाजिया टैक्स जो था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था दोस्तों। ये है आपका सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत में जो जाजिया टैक्स था वो मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा लगाया गया था दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों दूसरा क्वेश्चन। अच्छा, इससे पहले आप लोग को बता दें, दूसरा क्वेश्चन देखने से पहले एक बात बताना जरूरी है दोस्तों कि ये जो मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले भारत में जाजिया टैक्स लगाया, ठीक है, भारत में सबसे पहले जाजिया टैक्स लगाया था मोहम्मद बिन कासिम। एक राहत दिया था, क्या राहत दिया था, विधवा महिला को, उसके साथ साथ दोस्तों विकलांगों को, और साथ साथ विकलांगों के साथ साथ दोस्तों जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मण जो थे दोस्तों उनको भी क्या करना था, ये जाजिया टैक्स नहीं देना पड़ता था। वो किसके काल में, मोहम्मद बिन कासिम के काल में दोस्तों जाजिया टैक्स इन लोगों को नहीं देना पड़ता था। इनके अलावे जो भी नन मुस्लिम हुआ करते थे उनसे जाजिया टैक्स वसूला जाता था हरजाना के रूप में कि वो इस्लाम धर्म नहीं कबूल किए थे। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों तो क्वेश्चन नंबर टू जो SSC वगैरह के एग्जाम में आते हैं वो क्या है कि यहाँ पर देखिए मोहम्मद बिन कासिम ब्राह्मणों पर जाजिया टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन बाद में वह कौन सा ऐसा शासक था जो ब्राह्मणों के भी ऊपर जाजिया टैक्स लगाया अपने शासनकाल में, आखिर वो कौन सा शासक था दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड कि कौन सा शासक था दोस्तों जो ब्राह्मणों के भी ऊपर जाजिया टैक्स लगाया। तो यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन आता है कि ब्राह्मणों के ऊपर जाजिया टैक्स किसके द्वारा लगाया गया था दोस्तों, कौन सा शासक था जो ब्राह्मणों के ऊपर जाजिया टैक्स लगाया था दोस्तों। तो उस शासक का नाम है दोस्तों फिरोज शाह तुगलक दोस्तों। ये वो शासक है दोस्तों जो अपने शासनकाल में ब्राह्मणों के ऊपर भी जाजिया टैक्स को लगा दिया था दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड कि भारत में जाजिया कर किसके द्वारा किया गया था दोस्तों भारत में जो जाजिया कर था वो कौन समाप्त किया था। तो हम बात करते हैं दोस्तों अकबर ने दोस्तों भारत में जाजिया टैक्स को क्या किया था, समाप्त कर दिया था दोस्तों। अकबर क्या किया था, भारत के अंदर जाजिया टैक्स को ख़त्म कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की कि जब भारत में जाजिया टैक्स अकबर समाप्त कर दिया था तो पुनः कौन भारत में जाजिया टैक्स को शुरुआत किया,
तो दोस्तों हम बात करें जो तीसरा क्वेश्चन आता है कि भारत में पुनः जजिया टैक्स, भारत में पुनः जजिया टैक्स किसने लगाया। दोस्तों भारत में पुनः जजिया टैक्स शुरू किया वो कौन था। दोस्तों भारत में जो पुनः जजिया टैक्स शुरू किया था उसका नाम क्या था दोस्तों, वो कौन सा शासक था दोस्तों, तो वो है औरंगजेब। दोस्तों औरंगजेब ने भारत के अंदर पुनः से जजिया टैक्स को शुरू कर दिया था। अब इसके बाद जो दोस्तों पांचवा नंबर का जो क्वेश्चन आता है दोस्तों, वो पांचवा नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि भारत में पूर्णतः जजिया टैक्स खत्म किसने किया। भारत में जजिया टैक्स पूर्णतः खत्म किसने किया था दोस्तों, उसका नाम क्या था, तो उस शासक का नाम था दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला। उसका नाम क्या था दोस्तों, मोहम्मद शाह रंगीला जो मुगल बादशाह थे दोस्तों, इन्होंने क्या किया, जजिया टैक्स पूरा का पूरा दोस्तों हमेशा के लिए पूर्णतः खत्म कर दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से और नोट कर लें। तो आप लोगों ने दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि 712 से 714 तक के बीच में जो मोहम्मद बिन कासिम रहे थे भारत के अंदर, सिंध के अंदर, तो क्या क्या बदलाव हुए भारत के अंदर दोस्तों, उसको हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग उसको भी देखेंगे कि तो दोस्तों आप लोगों ने अभी देखा कि किस तरह से बदलाव, जो मतलब अभी आप लोगों ने देखा कि जजिया टैक्स के बारे में, अब हम लोग देखने वाले हैं कि 712 से 714 तक के बीच में क्या क्या बदलाव आखिर हैं, 712 टू 714 तक हुए बदलाव दोस्तों कि आखिर क्या क्या बदलाव 712 से 714 तक के बीच में हुआ था, उस बदलाव के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और समझते हैं उन सारी चीज़ों के बदलाव के बारे में। तो जो सबसे पहला बदलाव है दोस्तों, वो सबसे पहला बदलाव है गोल्डन सिक्के, गोल्डन क्वाइंस के बारे में दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं दिरहम सिक्के। क्या बोलते हैं दोस्तों, दिरहम सिक्के बोलते हैं भाइयों, उसको हम लोग दिरहम सिक्के कहते हैं। यानी कि दिरहम सिक्का सबसे पहला बदलाव माना गया है 712 से 714 के बीच में सिंध में हुए बदलाव, दिरहम सिक्के सबसे पहला बदलाव। दूसरा बदलाव दोस्तों, खजूर की खेती, ये दोस्तों दूसरा बदलाव है किसके अंदर, तो 712 टू 714 के अंदर हुए दूसरा बदलाव दोस्तों। उसके बाद तीसरा बदलाव क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो तीसरा बदलाव है ऊंट पालन, ये जो बदलाव था दोस्तों ये तीसरा बदलाव है। और चौथा बदलाव दोस्तों, मानसून जो शब्द है ये भी हम लोगों को किससे मिला है, तो ये भी हम लोगों को मिला है, ये शब्द की बात कर रहे हैं ना, ये शब्द जो है ये भी हम लोगों को मिला है किससे, अरब से ही मिला है। उसके बाद जो लास्ट बदलाव है दोस्तों, वो हमारा लास्ट बदलाव क्या है, अरबी घोड़ों को भारत लाया गया दोस्तों, भारत में प्रचलन फिर अरबी घोड़ों को हुआ। अब इसको डिटेल में कहानी समझते हैं कि जैसे खजूर की खेती बात करते हैं, तो आप लोगों को पता है कि खजूर की जो खेती होती है वो खजूर की खेती रेगिस्तान में अच्छे तरीके से होती है, और जो अरब है, अरब मशहूर है, अगर बात करते हैं तो खजूर की खेती वहाँ पे मशहूर है दोस्तों, उसका प्रचलन भारत के भी अंदर किया जाने लगा। दूसरा ऊँट पालन, तो ऊँट पालन है दोस्तों कि जैसे रेगिस्तान में ऊँट अच्छी खासी सवारी के लिए मानी जाती है, तो यहाँ पर भी क्या होने लगा दोस्तों, ऊँट की पालन की जाने लगी भारत के अंदर। उसके बाद दोस्तों मानसून जो शब्द है हमको ये भी अरब से ही मिला है दोस्तों। उसके बाद अरबी घोड़ों को भारत लाया गया। अब पहले के ज़माने के जो राजा हुआ करते थे वो क्या मानते थे, वो ये मानते थे कि जिसके पास जितना ज़्यादा हाथी होगा, जिस राजा के पास जितना ज़्यादा हाथी होगा वो सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जाता है। और यही हाथी दोस्तों सिंध के हार का कारण भी बना था, क्योंकि मान लेते हैं कि जितना देर में एक हाथी दौड़ के 2 किलोमीटर पूरा करेगा, उतना देर में दो घोड़े दौड़कर 10 किलोमीटर पूरा कर देंगे दोस्तों। इसीलिए हाथी थोड़ा स्लो था और घोड़े थोड़े फास्ट थे, ये कारण था कि हाथी को हार का कारण भी बताया जाता है। तो ये दोस्तों इसका आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, जो 5 बदलाव हुए हैं उन सभी को आप स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों,
तो दोस्तों इसके बाद हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है 714 की बात। अब ये एक ऐसी बात है दोस्तों जिसमें खुद मोहम्मद बिन कासिम को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या हो जाएगा, क्या ऐसा हो सकता है। तो हम लोग ये जो बात करने वाले हैं दोस्तों, अगर हम लोग बात करने वाले हैं 714 ईस्वी की, क्योंकि इस बात का भनक मोहम्मद बिन कासिम को भी नहीं था। तो दरअसल होता यह है दोस्तों, 714 ईस्वी की बात करते हैं, इसमें जो मोहम्मद बिन कासिम दाहिर को मारकर उनकी बेटियों को राजा के अपने मालिक अलहजाज के पास भेजे थे दोस्तों, तो वो क्या हुआ, अलहजाज अपने दोनों बेटों की शादी दोनों बेटियों से, दाहिर की दोनों बेटियों से करवा दी। और दोनों बेटियों से करवाने के बाद दोस्तों क्या किया कि उनकी दोनों बेटियों ने जाके अलहजाज के पास बोला कि अब तो हम आपके बेटों की पत्नियाँ हैं, अब तो हमको ऐसे ही रहना है, हमेशा अच्छे से रिश्ता निभाना है। बोला कि ये रिश्ता तो निभाएंगे लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। तो अलहजाज बोला कि ठीक है बताइए। जब ये लोगों ने बताया कि जब आपके सेनापति मोहम्मद बिन कासिम मेरे पिता हमारे पिता दाहिर को मारे थे, तो मारने के बाद वो हमें अगवा करके यहाँ भेजने से पहले हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ किए। और ये जैसे ही सुनता है दोस्तों कौन, अलहजाज, गुस्से से आग बबूला लाल पीला होने लगता है दोस्तों, और वो तुरंत एक फरमान जारी करता है। और वो फरमान ये जारी करता है कि मोहम्मद बिन कासिम जहाँ भी हो आप तुरंत मेरे दरबार में हाजिर हों। अब जैसे ही दरबार में मोहम्मद बिन कासिम हाजिर होता है दोस्तों, तो क्या होता है कि इनको ये नहीं पता होता है दोस्तों मोहम्मद बिन कासिम को। तो दोस्तों जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम अपने दरबार अलहजाज के दरबार में हाजिर होता है दोस्तों, तैसे ही उसको जस्ट यूं ही उसको मृत्यु दंड सुना दी जाती है दोस्तों, उसको मौत का सजा सुना दिया जाता है दोस्तों। अब उसको मौत का सजा सुना दिया गया उतना जितना कि वो मोहम्मद बिन कासिम समझ पाता कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ एक बड़ी साजिश की गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी दोस्तों। और फिर हुआ यूँ कि वो लास्ट टाइम में, और वो मोहम्मद बिन कासिम इतना समझ गया कि मैं अब अपनी बेगुनाही का सबूत इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ, तो वो अपने लास्ट टाइम में गया अपनी वाइफ के पास दोस्तों, और अपनी वाइफ को सारी कहानी सुनाई कि उसके साथ क्या हुआ है, सारा चीज़ बता दिया दोस्तों। और बताने के बाद दोस्तों अपने जो वाइफ को उन्होंने बताया, उसके बाद वो क्या किया कि अपना सर कलम कर दिया दोस्तों, और अपना सर कलम करके अलहजाज को एक थाल में भेज दिया। और जब अलहजाज को भेजा था दोस्तों, तो वो एक लेटर भी भेजा था, और वो लेटर क्या था, उस लेटर में लिखा हुआ था कि अलहजाज मैं अब अपनी बेगुनाही का सबूत इससे ज़्यादा नहीं दे सकता हूँ दोस्तों, ये उस थाल के अंदर लिखा हुआ था दोस्तों। इस तरह से दोस्तों क्या हुआ, जो मोहम्मद बिन कासिम था उनकी कहानी इस तरह से समाप्त होती है। तो यहाँ तक अगर किन्हीं को कोई डाउट हो तो वो कमेंट कर दें, हम आपके डाउट को दूर कर देंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। और हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो तुर्क का आक्रमण, यानी कि तुर्कों द्वारा जो आक्रमण हुआ दोस्तों भारत के ऊपर। अभी हम लोग पढ़े अरबों द्वारा आक्रमण, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे तुर्कों द्वारा आक्रमण। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को